और ये रहा प्रूफ ब्रोस, ये व्यू देख के आप लोग समझ जाओगे कि मैं इस टाइम खड़ा हूँ कोरिया की धरती के ऊपर। वैसे कुछ समझ तो मेरे को नहीं आ रहा है व्यू देख के, बट यहाँ पर कोरिया के अंदर लोग ऐसे ऐसे ही है, ये तो नाइक का टिक मार्क बन गया। यहाँ कोरिया के अंदर लोग ऐसे ऐसे बहुत करते, तो इसका मतलब मैं ये भी कुछ प्रूफ नजर नहीं आ रहा मेरे को यार। रुको, ये देखो, ये है कोरियन टीवी, ये देख रहे हो 50 तोला भाई, ये असली 50 तोला यहीं से आया था भाई। एक सेकंड रुको यार, मैं चैनल चेंज करके देखता हूँ, भैंसी कोरिया वाली फील नहीं आ रही मेरे को टीवी के ऊपर। तो ये 50 तोले वाला चैनल चेंज करते हैं, और अगर मैं आगे जाके देखूँ तो यहाँ पर भी शॉपिंग चल रही है, यहाँ पर भी शॉपिंग चल रही है, दो और आगे करूँ तो यहाँ पर भी शॉपिंग चल रही है भाई। और अगर शॉपिंग की बात चली है तो ब्रोस हमारा चैलेंज भी आज बिल्कुल शॉपिंग के ऊपर है। आप लोगों को शायद पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारी लोकल शॉप्स हैं जो मोस्टली खुली होती हैं, और वहाँ पर आप जाके खाना बाय कर सकते हो, वहीं पर पका भी सकते हो मैन। और आज मेरे को सर्वाइव करना 24 आवर्स लोकल शॉप्स फूड के ऊपर। और ब्रोस थोड़ी देर वॉक करने के बाद गाइस मेरे को अपनी पहली शॉप मिल चुकी है। ये देखो, ये अपना होटल और ये अपनी पहली शॉप। तो इस शॉप का नाम है E-Mart 24 का मतलब Maybe 24 आवर के लिए खुली हो सकती है। और यहाँ की वैरायटी देख रहे हो, ये है ऊपर से नीचे तक क्रिस्प। और जैसे मैंने बताया ना कि आप यहाँ पर खाना कुक भी कर सकते हो, तो ये रहा खाना बनाने की जगह, कॉफी मशीन आती है, ये गर्म पानी के लिए होगा, ये माइक्रोवेव है, तो सारी सहूलत यहाँ पर मौजूद है। और भैंस की ये केक कितने अभी खाने हैं यार ये। ओ माई गॉड, ये देखो कितना सारा माल है यार, मेरे मुंह में पानी आ चुका है। ये ड्रिंक सेक्शन, तो ये है यहाँ पर कुछ दही वाले ड्रिंक्स, ये है कुछ फ्रोजन सामान, और ये कुछ और खाने पीने का सामान। इतनी सारी चीजें वहाँ मशीन के अंदर बन सकती हैं भाई, इतने सारे ड्रिंक्स जो है मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। ओके, ये वाला जो है ये किधर गया, मैंने भी देखा ये बेजल वाला, और ये पप्पू की शॉप में मिल जाते हैं भाई, इतना पप्पू भी कम नहीं है। और ओके, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक काम करते हैं, सुबह का टाइम है तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा पहला मील, सबसे पहले मैंने ये सेलेक्ट किया और साथ में कुछ नूडल्स। अब ये सर जी मेरे को यहाँ पे बना के दिखाएंगे, इसको लगता है कि अगर मैंने मशीन को टच किया तो कोई मशीन फट सकती है। मैगी बना रहा है क्या सुबह सुबह मेरे लिए ये? उसको हिलाया और इसका पाउडर निकाल के डाला बिल्कुल इसके अंदर। आई थिंक इस वाले मशीन से निकलता है गर्म पानी जो कि जाएगा वहां पर। पानी डाल रहा ना, कहीं चाइना डाल दिया इसके अंदर। और अपना सेकंड वाला मील जो है यहां पर बन रहा है, जो कि रेडी होगा 2 मिनट में। उसके बाद इसको ये मिक्स करना। अपनी एक डिश जो है बाहर पड़ी हुई है और ये अपनी दूसरी डिश है। यार इस बंदे ने मेरी क्या लेवल की मदद की, एकदम होम वाली फील मेरे को आई यहाँ पर। ओके, बट एनीवेज, ये मेरी पहली डिश जो कि ऑब्वियसली नूडल्स हैं चिकन वाले। उसके बाद आपकी अपनी दूसरी डिश, तो ये है चावल, कुछ मीट, कुछ किमची मिक्स करके इसने मेरे को देकर रखी है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये। भाई सुपर टेस्टी हैं यार ये चीज़ें। क्या भी आता है ये ट्राई करते हैं। मेरे को यहाँ पे अंडा और चिकन की कुछ पीसेज और सब्जियाँ वगैरह यहाँ पे दिख रही हैं, और अब ये ट्राई करते हैं। ओ भाई मैं डिजाइन नहीं कर पा रहा कौन से बेस्ट हैं ये कि ये। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसको पहले फिनिश करूँ, क्योंकि हमेशा मैं बेस्ट चीज़ लास्ट में फिनिश करता हूँ। इनी मिनी माइनी मोह ये करते हैं। तो यहाँ हमारी जगह थोड़ी बहुत बची हुई है, इसको और पूछते हैं। दिस इज गुड, या I'll take it। तो ये बंदा मेरे को ये चीज जो है बहुत रेकमेंड, अब इसके ऊपर इमोजी बने हुए, तो ये बंदा मेरे को ये बहुत रेकमेंड कर रहा, तो ये ले लेते हैं। क्या लूं भाई, क्या मेरे को एक और चीज लेनी, लेकिन क्या लूं मेरे को नहीं पता। एक काम करते हैं, फिलहाल ये लेते हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ का एक लोकल क्रिस्प भी ट्राई करना है, छल्ली वाला क्रिस्प, देख रहे हो छल्ली कर देंगे। ऑलराइट ब्रोस, मेरी यहाँ पर क्रिस्प भी आ चुकी है और मेरा ड्रिंक भी साथ में, और उसने मेरे को स्ट्रॉ भी देकर रखा हुआ है। और ये चीज मैं यहाँ पर नहीं खाऊंगा, ऊपर मेरे को कुछ बैठने की जगह दिख रही है, तो ये वहाँ पर जाकर ढूंढते हैं। पहले से करना मस्त वाला शेक 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 शेक। हंड्रेड% गारंटी इसके अंदर दूध है, तो बेसिकली मीठा दूध साथ में हल्की हल्की दही वाला फ्लेवर। लस्सी है भाई, ये यहाँ की लस्सी है। ये क्या है भाई, ये मेरे को पता लग गया क्या है। तो ये देखो पैकेट पर भी दिखा कर रखा हुआ है, ये लिटरली गाइस ये क्रिस्प है। इन लोगों ने इसके ऊपर शुगर डाली हुई है, और हल्का सा हनी का टेस्ट भी यहाँ से आ रहा है। ये देख रहे हो पूरा पैक इन कौन से भरा हुआ है, मैंने गलती से ना सही चीजें पिक कर ली। पर एनीवेज गाइस, इन सब चीजों का खर्चा मेरे को बढ़ चुका है अबाउट 7 pounds। तो अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखे तो आपको होगा 700 rupees। तो ये अपना ब्रेकफास्ट एकदम सोते। और अभी गाइस मेरे को खतरनाक लग के भूख लग रही है, दोपहर का टाइम हो चुका है, देखो कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, पूरे कड़ाके की। और लकीली हमारे साथ एक शॉपर, एक काम करते हैं अंदर जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए पकड़ लेते हैं। ऑलराइट, अभी क्या लेना है यार, ये ऑप्शंस भाई इतनी वैरायटी ले नहीं पा।
बारह इतने सारे ऑप्शन होते हैं और ये सिर्फ फ्रिज में पड़ी हुई है, लाइक नॉर्मल ड्रिंक्स नहीं है, नॉर्मल ड्रिंक्स की फ्रिज इस तरफ है। कौन से वाला खाना है भाई, कौन से वाला खाना है आप मेरे को बताओ। ओके, सबसे पहले हम लेंगे ये बनाना वाला मिल्क। ओह माय गॉड, अरे मैं आइसक्रीम के बारे में तो भूल ही गया था। पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद देखेंगे ना आइसक्रीम को। ओके, तो ड्रिंक लेने के बाद मैंने ये लेकर रखा हुआ है, इसको खोल के इसको डालना है माइक्रोवेव के अंदर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी हुई है। और उसके बाद मैं एक चीज तो भूल गया था, मेरे को सुबह भी छली बिक रही है यहाँ पर, छलियाँ भी। हम चल्ली खाएंगे यार, ये देखने में तो बहुत मस्त चीज लग रही है और मेरे को पक्का पता कि खाने में भी बहुत मस्त चीज होगी। आई थिंक ये जैम हो सकता है, तो ये भी ले लेते हैं। और उसके बाद मैं चॉकलेट के बारे में तो भूल ही गया था भाई, अभी आए हैं तो एक चॉकलेट भी लेते हैं यार। खाते पीते घर से आए और खाते पीते घर वापस जाएंगे। क्या लूं यार, अरे मेरी फेवरेट चीज ये मेरे को वहां पर ही मिल जाएगी, पप्पू की दुकान पे बहुत पड़ी होती है। ये सही लग रहा है, पता नहीं क्या, लेकिन ले लो, बाद में ट्राई करते हैं इसको। खाना पीना तो अपना डिसाइड हो चुका है और फाइनली मेरे को लेने क्रिस्प। ये टेस्टी लग रहा है, ये लेते हैं। और फाइनली गाइस, इन सब चीजों को वॉश डाउन करने के लिए एक ठंडी ड्रिंक, तो क्या लूं। कल मैंने ये वाली ट्राई करके रखी थी, बहुत ज्यादा मस्त है। और रुको 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 रुको, आज ट्राई करेंगे ये वाली, खतरनाक बोतलें हैं यार यहाँ पर। हमारे शॉपकीपर, हेलो, तो इसने मेरे को बोल कर रखा कि अपना यूट्यूब चैनल बता ताकि मैं ये वाली वीडियो देख सकूं। तो ये सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के फंडे ये हम जाने कैसे दे सकते हैं। अभी आती है अपनी आइटम नंबर वन, तो इस वाले के अंदर पक रहे हैं चावल 2 मिनट के लिए और इस वाले के अंदर पक रहे हैं जो सॉस वगैरह थी 30 सेकंड्स के लिए। आई बिलीव ये अपना मसाला होगा जो कि ऑब्वियसली एंड में जाएगा। अपनी पूरी छल्ली भी रेडी हो चुकी है थोड़ी, और भैंस की बहुत गर्म है। और ये रही हमारी मेन डिश, और अगर अभी इसको ट्राई करके देखे तो भाई यार बात तो आए खाने में यार, एकदम फुल टेस्टी है। मैं क्या बताऊं, मसाले मसूड़े तड़के देख रहे हो क्या तड़का निकल रहा है यहाँ से, तो तड़के तुड़के मसाले इन्होंने फुल ऐड करके रखे हुए हैं। तो चावल वगैरह खाने के बाद गाइस अभी आती है अपनी छल्ली। गीली छल्ली कैसे जी, निचोड़ के नहीं दी तुम लोगों ने मेरे को ये छल्ली, एक्चुअली नाइस है। अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर भाई, बहुत 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 ज्यादा गर्मी थी यार, मैं अभी सह नहीं पाया, तो मैंने आइसक्रीम पकड़ी और सामान चक्का और आ गया गाड़ी के अंदर। ओके, तो ये है एकदम से प्लेन ओरिजिनल क्रिस्प, तो मतलब कि इसके अंदर तड़के वगैरह जो है बहुत कम डले होंगे, तो यार देखने में भी एकदम से प्लेन है। और अभी इसको घुसेड़ते हैं अंदर हम। भैंस की इतने बेकार क्रिस्प थे कि फोन ही गिर गई। उसके बाद आती है अपने स्वीट, खुल जा, ये मेरे को हाथी का दांत लग रहा है देख रहे। बेसिकली इन लोगों ने पता है क्या किया, वो चालू बंदे में समझ गए इनकी स्कीम। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो ये देखो अंदर से काला है, तो जब आप ओरियो खाते हो ना तो ओरियो के अंदर व्हाइट चीज होती है वो क्रीम। इन लोगों ने पता है क्या किया, इन लोगों ने क्रीम ऊपर डाल दी, ओरियो अंदर घुसेड़ दिया। उसके बाद आता है अपना ड्रिंक, उसको पहले हिलाएगी फिर खोलेगी और इसको अभी जाके बिन में फेंक देगी। बहुत बेकार है यार ये, इसका टेस्ट पता है कैसे आ रहा है, इसका टेस्ट आ रहा है जैसे दूध के अंदर किसी ने पानी डाल दिया, वो भी बहुत सारा। रबी आता है फाइनली दी खतरनाक बनाना मिल्क यार, ये डब्बी एकदम झकास लग रही है ये। और अभी मेरे को फिगर आउट करना है कि डब्बी खोलते कैसे है, मेरी बंदूक लाइए जरा, यहाँ से भी खोलो और यहाँ से भी खोलो, नहीं खुल रही। अरे ये देख रहे हो ऐसे टूटी बन गई अपनी, ऐसे बन जाएगी अपनी छोटी सी टूटी। ऐसे पीना है क्या? ओ ये बहुत अच्छा भाई, ये लिटरली बनाना शेक है, ये बनाना का इन लोगों ने जूस बना के इसको डब्बे में डाल के बेच रहे हैं। बहुत अच्छा आइडिया और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और फाइनली आती है गाइस अपनी आइसक्रीम, जो कि शिनचैन वाली, भाई शिनचैन वाली आइसक्रीम, ये किसने सोचा। ओ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और एक बार बताने भूल गया मैं यार, इन सब चीजों का खर्चा पड़ा मेरे को अबाउट 11 पाउंड, अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखूं तो इसके बनते हैं अबाउट 1100 रुपए। और मेरे को एक और चीज दिखी और वो है ये, अब ये मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा भाई, टू मच है भाई, तो इसके मैं अभी सेव करके रखता हूँ, तो ये खाएंगे रात को डिनर के साथ। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये चीज एकदम से बेस्ट है, लाइक हर एक जगह पर मौजूद है दुकानें। तो फॉर एग्जाम्पल ये अपना होटल और जैसे बाहर निकला वो सामने दुकान है। और बहुत जल्दी शुरू होता है अपना कार्यक्रम खाने पीने का। ये देखो सुपरमैन का ड्रिंक प्लस स्पाइडरमैन का ड्रिंक, लेकिन हम पियेंगे नहीं क्योंकि ये साइडर है, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्कोहल हो सकती है और हम ये लोग फालतू के कामों पर ध्यान नहीं देते। राइट देन, तो ये वाला ड्रिंक मैंने सुबह लेकर रखा था, इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। ये चीजें पप्पू की दुकान पर बहुत पड़ी होती है, तो ये भी नहीं लेंगे। मेरा एक्चुअली कॉफी पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, और मैंने ये
बोतल वाली कॉफी कभी ट्राई भी नहीं की। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये लेते हैं। ये चिप्स जो है ना, मेरे को बहुत तंग करता है। ओ माय गॉड, ये कितना मस्त लग रहा है। एकदम एपिक। तो ये भी लेते हैं। इनको देखो, ये छोटे छोटे कितनी कितनी क्यूट लग रहे हैं यार। ये छोटी पिद्दी सी ड्रिंक, मेरे हाथ से भी छोटा है यार ये। एक काम करते हैं, एक ये भी मेरे को ट्राई करना है। तो मेन डिश मैंने ये लेके रखा हुआ है। तो ये पास्ता टाइप कुछ चीज़ है, तो ये डालते हैं बच्ची के अंदर। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है यार। ओ माय गॉड, तो काम करता है, ये भी फाड़ लेते हैं। और फाइनली अपनी आती है ये। मैंने आंटी जी से पूछा क्या खाऊं, उसने बोला ये ट्राई कर, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये है किमची, तो ये भी मैंने ले लिया यहाँ पर। इसकी दो चीज़ें डालो पूरी ट्रॉली भर जाती है यार। ओके, तो गाइस मैंने पहला डब्बा खोल कर रखा हुआ है। ये है नूडल्स। तो ये नूडल्स हैं, इसके अंदर जाएगा पानी और वो पानी जाएगा 2 मिनट 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव के अंदर। उसके बाद ये सॉस और ये कुछ मसाला। अभी ब्रो सारा कुछ मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। वैसे अगर देखा जाए ना तो उसका मसाला मसूला एकदम से ठीक ठाक है, ताकि एकदम स्पाइसी भी है और एकदम चटपटा भी है, लेकिन बहुत ज्यादा चुई है। मतलब चबाए जाओ तब जाके हजम होंगे ये। ओके, तो ये खत्म करने के बाद गाइस अभी आती है अपनी दूसरी डिश। ये चिकन है, साले माइक्रोवेव के अंदर चिकन कौन बनाता है। अभी अगर इसको ट्राई करके देखें तो तो सबसे पहले मेरे को अनबॉक्सिंग कर ली अपनी तार की। अपना पावर बैंक भी रेडी हो चुका है, तो ये जाएगा यहाँ पर। इसकी दूसरी टूटी जाएगी बिल्कुल अपने फोन के ऊपर। और अभी आता है ब्रो सबका बाकी सातों सामान। तो मैंने चुइंगम में लेकर रखे हुए हैं अपना किंडर जॉय और अपना जूस। सबसे पहले जूस ट्राई करते हैं, इसको मस्त तरीके से हिलाएगी। उफ, एकदम संतरे के जूस की तरह ही है इसका टेस्ट। नॉर्मल जूस है भाई, ये फैंसी फैंसी डब्बियों के अंदर डाल के हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। भाई ये खोलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसको ऐसे खोलेंगे भैंस की देखी जाएगी आज तो। ये देखो इसके अंदर बड़ा हुआ चूहे का भेजा। मसाला और हनी दोनों को मिक्स करके ना उनका पाउडर बना के उन लोगों ने पॉपकॉर्न के ऊपर निचोड़ दिया। ठीक है, नॉट बैड है, एक्चुअली अच्छा है। और अभी आती है अपनी द मेन एंड द फाइनल डिश। ऑब्वियसली च्युइंग गम मैंने रस्ते के लिए लेके रखे हैं, और ये किंडर जॉय आई डोंट थिंक कि मैं खा पाऊंगा। और आप लोगों को पता है इसके अंदर क्या है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो सकता है। अगर ये चॉपस्टिक टूट गई ना तो ऐसे ऐसे लच्छे बना के ऐसे हाथ से खाना पड़ेगा मेरे को। यार ये मसाले इनके जो होते हैं ना, या ये एकदम लिक्विड लिक्विड लग रहा है। तो ये बहुत ज्यादा मस्त होते हैं। और नीचे पड़े अपने नूडल्स, पानी गर्म होने वाला है, और पानी गर्म होते ही फेंकते हैं उसको इसके ऊपर। व्हाट इन द मीन टाइम, मेरे को ये भी ट्राई करना, मैं भूल गया था। नहीं ये जैम है, तुम लोगों ने ये क्या पंगे करके रखे हैं। ये जैम है या लिफाफे के अंदर तुम लोगों ने जूस पैक करके रखा हुआ है। ये देखो ये आइटम देखो, ये जैम है भैंस की आंख। और अभी जाएगा इसके ऊपर गर्मा गर्म पानी, और पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख लेते हैं। और ये देखो ब्रोस अपने नूडल्स एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट रेडी हो चुके हैं। उसके बाद डालेगी ये हम मसाला, और अभी आती है अपनी मेन सॉस। ये देखने में सही नहीं लग रहा लेकिन है बहुत टेस्टी। रेडी। नाइस है ये, एक्चुअली नाइस है ये। तो ये जो नूडल्स हैं गाइस बिल्कुल मैगी की तरह है। आई बिलीव मेरे को इनका फंडा समझ में आ चुका है भाई। अरे मैंने पूरा साउथ कोरिया का सीक्रेट रिवील कर दिया। ये लोग पता क्या करते हैं, आई थिंक गाइस ये लोग पता है एक तरीके के नूडल बनाते हैं, और उन्हीं नूडल के अंदर अलग 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 रेसिपी डाल के उसके 500 फ्लेवर निकाल देते हैं। आहा, सीक्रेट रिवील भाई। वैसे ये सीक्रेट रिवील करके भी मैं क्या ही खा लूंगा। और अभी आती है गाइस अपनी फाइनल द मोस्ट खतरनाक वाली ड्रिंक। तो एक काम करते हैं ये ट्राई करते हैं। बिल्कुल कॉफी की तरह जो हम घर में बनाते हैं, लेकिन ये ठंडी है और वो वाली गर्म होती है। और इसी के साथ ही ब्रो ये चैलेंज यही भी खत्म होता है, और मैंने आज फाइनली कोरिया के अंदर कन्वीनियंस शॉप वाला चैलेंज कंप्लीट कर दिया। मेरे को बहुत मजा आया भाई, मैंने हर एक चीज शॉप के अंदर ट्राई की। ओके, हर एक चीज तो नहीं, मोस्टली चीजें ट्राई की, और अलग अलग चीजें ट्राई करने का मेरे को मौका भी मिला। जैसे कि नूडल्स ट्राई कर लिए, ड्रिंक्स ट्राई कर लिए, चॉकलेट्स, पॉपकॉर्न, क्रिस्प, भाई तरह तरह की चीजें ट्राई करने का मौका मिला, और मेरे को बहुत बहुत मजा आया। तो चलिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। Take care everyone and bye.